हां जी आजाद अमित जी आप कैसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को डिफेंड करेंगे क्योंकि आ, आ, कोई धर्म अगर बता देता है कि चलो आ, आपको हिंसा नहीं करना है राइट तो आ, और एक जन है जो एग्नोस्टिक्स है उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ये जाति धर्म से उसको जो मिलता है वो खा सकता है जो उसकी इच्छा है राइट अगर मुझे मान लीजिए चिकन खाने की का इच्छा है आई विल ईट नोबडी इज देयर टू स्टॉप मी राइट

ये बात करते हैं कि एक्चुअली यू आर डिस्ट्रॉइंग लाइफ और यू आर ईटिंग समवन तो एक्चुअली प्लांट्स आल्सो हैव लाइफ देखें हो सकता है ये तर्क आपको छोटा लगे लेकिन जब हम लाइफ की बात करेंगे तो सर लाइफ तो फिर जो गाय जो दूध देती है सर वो दूध अपने बछड़े के लिए देती है सर ठीक है वो दूध भी आपके लिए नहीं देती है सर वो बच्चे आपको पता है कि जब वो दूध लिया जाता है तो गायों को रोज इंजेक्शन लगाए जाते हैं हाउ कितनी वो पेनफुल होगा उनके लिए हार्मोन एवरीडे हार्मोन लेना उसके बाद दूध प्रोड्यूस करना ये चीजें सर जो आप बात करते हो ना कि जो किसी को जानवर को काट के खाना ये नेचर है सर दिस इज आप अगर आप अगर आपको मीट पचता ना होता ना सर तो आप कभी मीट खाते ही नहीं मीट ईटर आप इसलिए हैं क्योंकि नेचर के हिसाब से आप मीट खा सकते हैं गाय अगर मीट नहीं खाती है या भैंस अगर वो जो जो नहीं खाते हैं तो इसका मतलब है कि दे कैन नॉट ईट एंड इफ यू इफ यू कैन ईट वेल दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर वेल इट माइट लुक बैड टू यू लेकिन वो एक फोटो आई थी ना जिसमें वो मछली मछली पकड़ने के लिए गया तो उसने वो कांटा में लगाया हुआ था कुछ ए, च, कीड़ा लगाया हुआ था तो मछली के बच्चे कह रहे थे कि अब पापा विल ए, गेट है ना वो ए, कांटा में जो ए, कीड़ा लगा वो हमारे लिए लेके आएंगे और जो बंदा था उसके बच्चे बाहर कह रहे थे कि जैसे वो मछली उस कांटे में फंसेगी वो मछली हम खाएंगे सो सर हु विल बी राइट देयर दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर आप इसमें राइट right या रॉन्ग किसको कह सकते हैं सर ये 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 चलेगा ही ऐसे मैं आपकी ठीक है मैं अम, अम माई सेल्फ अ वेजिटेरियन ठीक है ना और इनफैक्ट मैं बहुत देर मैंने मैं वीगन रहा हूं मैं दूध भी नहीं दूध के सेवन भी नहीं कभी किया लेकिन आप इन बातों को इससे किसी की श्रेष्ठता या किसी की अश्रेष्ठता का आप इसे अनुमान मत लगाएं ये उसकी फीडिंग हैबिट्स हैं यू कैन नॉट चेंज दोस जी सर uh, मगर सर अगर कोई uh... देर इज सम का नाम मत दीजिए तो अगर वो बोलता है कि ठीक है आपका जो अहम भाव है वो कम होना चाहिए आपको ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए तो लाइक उसमें कुछ बुराई है क्या नहीं सर आप, आ, आप मुझे एक बात बताइए सर जैसे अहम भाव मतलब मैं आप एक पूरी हिंदी में शुद्ध हिंदी में आप, आप उसको क्या कहेंगे मुझे आई कुरन अंडरस्टैंड दैट वर्ड मीनिंग अहम भाव क्या मतलब बोला इसका नहीं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई अगर ग्रंथ बोलता है कि मान लीजिए कि दूसरों को हानि मत पहुंचाओ या आ, आ, कोई ग्रंथ बोलता है कि अपना जो अहम भाव है या लाइक जो सेल्फिश नेचर है उसको कम करके रखो सर आप एक साइंटोलॉजिस्ट जी एक ए, न्यूटन जी बस मैं थोड़ा सा टाइम हाँ, साइंटोलॉजिस्ट हाँ, जी मैं एक बात कहूँ आप चाहे इसको माने या ना माने आपको अच्छा लगे बुरा लगे एक्चुअली जो इंसान का जीवन है वो है ही सेल्फिश है सर आप बिना सेल्फिशनेस के आप इस जिंदगी को चला ही नहीं सकते फ्रॉम द मॉर्निंग आप जब उठते हैं ना सर आप जब नहाते हैं यू वॉन्ट टू लुक फ्रेश यू एक्चुअली आपके जो

लेट्स फिनिश दिस वर्ल्ड सर क्योंकि उसमें भी तो सेल्फिश नेचर है ना सर अब सेल्फिश नेचर क्या है सर बच्चे पैदा करने है? बच्चे कैसा पैदा होते हैं सेक्स से होते हैं सेक्स क्या है सर प्लेजर है प्लेजर क्या है सर सेल्फिशनेस है आपको प्लेजर नहीं चाहिए सर आप मत लीजिए सर प्लेजर आप

नॉट अबाउट मनी हो या पावर हो मनी सो दैट इज दर ये तो आप आप मुझे फिर भी फिर वी विल स्टिल टॉक अबाउट द एक्सेप्शन

hours as well, right? He has burnt his, uh, hmm. he has uh, sacrificed his uh, life also. तो मुझे बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ इन नॉन वेजिटेरियन जी, वाली हाँ। बात का हालांकि खुद ही वेजिटेरियन हूँ मैं लेकिन मैं भी, एक, भी चीज मैं, हाँ। एक चीज में एक चीज बताइए साइंटोलॉजिस्ट जी अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप और मैं यहाँ पे बात कर ही नहीं रहे होते अगर हमारे पूर्वज ने मांसाहार नहीं किया होता इस बात पे आप क्या बोलते हैं आई uh, एग्री फिर वो मानकर सही होता कि गलत होता सही होता आई एग्री सही होता अगर आप देखिएगा आपको यहाँ पे देखिए दो स्कल दिखाई दे रहे हैं ना एक है आप देखिए ये फाइव मिलियन इयर्स ओल्ड के जंगल में होंगे आपके पास यू डू नॉट नो हाउ टू पहले सुन तो, लीजिए पूरी बात तो, और भी लोग सुनते हैं ना ये देखिए आरडीपीथिकस रेमिडस है ये ये तकरीबन पचास लाख साल पुराना हमारा पूर्वज है अगर आप इसके स्कल को देखेंगे तो जो ब्रेन वाला एरिया है ना आपको थोड़ा सा छोटा ही दिखाई देगा ना ठीक है उसी के जस्ट बगल में तीस लाख साल पुराना हमारा एक और पूर्वज है उसका नाम है ऑस्ट्रोलोपिथिकस एफरानसिस ठीक है तो इसका आपको स्कल जो है ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा जहां पे ब्रेन रहता है इन बीस लाख सालों के बीच में क्या हुआ सर आपको पता है ह्यूमन इवोल्यूशन जैसे जैसे जब बढ़ रहा था ना तो रेमिडस जो है ये दरअसल पेड़ के फल खाता था ठीक है तो इस तरह की चीजें खाता था ये मोटे तौर पर मांसाहार कुछ खास करता नहीं था तो जब ये मांसाहार नहीं करता था तो इसके जो जबड़े वाली जो जगह है ना ये बड़ी थी जबड़े वाला जो बोन है ये बड़ा था जिसके कारण स्कल में जो ब्रेन है उसके लिए जगह कम थी वो इसलिए क्योंकि चबाना बहुत पड़ता है अगर आप देखोगे तो जो भैंस है वो जुगाली करते रहती खड़े देखना, है ना? वो होता है। लेकिन जब आगे बढ़ा ह्यूमन इवोल्यूशन तो आ, 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 ये जो आप इधर वाले जो इस कल देख रहे हैं तो इसमें आपको ब्रेन का ये बड़ा दिख रहा है ना तो यहां तक जब आया ना ह्यूमन इवोल्यूशन बढ़ के उस समय तक क्या हुआ कि हम ना स्केवेंजर हो चुके थे बेसिकली स्केवेंजर ये कि बड़ा जानवर कुछ मारता था ठीक है और हम जाके उसको उठा के लाते थे जो उसकी हड्डियां हैं उसको जो उठा के लेके आते थे अब तकरीबन इसी के दौरान ना ऐसा लगता है कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कुछ पत्थरों का इस्तेमाल करना चालू किया क्योंकि वो दरअसल बोन बोन का ना मैरो खाते थे। बोन मैरो खाते खाते थे थे वो उससे उनको प्रोटीन मिलता था और प्रोटीन जो है ना वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक्चुअली में आ, का जो जो बोन मैरो खाके हुए बेसिकली ठीक है तो इसमें कई लोग अपनी मोरालिटी को जोड़ते हैं भाई जिसको जो पसंद है वो खा ले यार किसी को पसंद है किसी को नहीं है किसी को लग रहा है कि भाई मेरे को किसी को अनावश्यक नहीं मारना चाहिए वो तो खा ले अब आपको एक और बात बता दू आप ज्यादा वीगन बनोगे तो पैसा बहुत लगता है यार इंडिया में वैसे ही लोगों के पास पैसा नहीं है ठीक है तो वो भी कैसे करोगे फिर उसके बाद ज्यादा वीगन बनोगे तो अनाज भी ज्यादा उगाना पड़ेगा अनाज कहाँ उगेगा खेतों में खेत कहां से आएंगे डिफोरेस्टेशन करके जंगलों को काटना पड़ेगा और आपको मतलब नुकसान तो है ही ना और वैसे हम हम जब इलाज कराने जाते हैं और दवाइयां खरीदते हैं तो हम लोगों को कितने को पता होता है कि भाई हमें बिना जिलेटिन वाली मेडिसिन दे दीजिए अब जो कैप्सूल बनते हैं उसमें तो जिलेटिन यूज होता ही है

हर सास में तो कई लोग मर कई छोटे छोटे मर रहे हैं यार जिंदा ही दूसरों की लाशों पे है ना तो ऐसा मत सोचिए प्योर में फालतू की बातें आपका जैसा जीवन चल रहा है चलने दीजिए है है ना इतना नहीं अगर नहीं आप नहीं करना आप तो तो कर लो कर, कर लो भाई सकते हो करो है ना? आजा जी आप वो आप बोल दीजिए इनको चलो अब हटाते हैं फ्रेंड भी करना